अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या करूँ मैं तुम्हारा, क्या करूँ अपने माँ बाप के हाथ से निकल के। तुम पैदा कैसे होगी ऐसे अच्छे खानदान में? तुम्हें पैदा होना चाहिए तो चोर उचक्कों के खानदान में, वही हो तुम एकदम लीचड़ चोर उचक्की लड़ाई झगड़े करने वाली चिल्लम चिल्ली करने वाली, वही हो गुंडा बस्ती में पैदा होना चाहिए। चुप चुप और अपनी बकवास अब बंद करो समझे, और निकलो यहाँ से। मैडम जी ये मेरा घर है, तुम भूल गई आज का ज्ञान पूरा हुआ, चलो निकलो अब यहाँ से, निकलो चलो आओ चलो चलो पहले बाहर चलो, तुम बाहर चलो यहाँ से। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, हो कैसे हिम्मत हुई? और क्या लूजर लूजर क्या लगा रखा है? लूजर पता है कौन है? तुम। चाचा ये ही तो करते हो तुम, यही आता है तुम्हें ये बड़ी बड़ी बातें करना, ये वो कर दूंगा ये कर दूंगा। अरे बलविंदर सूद, ये सब करने के लिए ना हिम्मत चाहिए, हिम्मत जो मुझ में है, मुझ में तुम में नहीं है। क्या किया मैंने पता है? मैं पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी, वहां से तुम्हें मैसेज किया, तुम्हें अलर्ट किया कि बलविंदर भाग जाओ वहां से, लक्ष्मी ऋषि आ रहे हैं तुम्हारे पीछे, तो क्यों नहीं भागे? रोटियां पका रहे थे क्या वहां पे, क्यों नहीं भागे तुम? क्योंकि तुम एक लूजर हो। यही तो आता है तुम्हें बलविंदर सूद, औरतों पे चिल्लाना, उन पे हाथ उठाना, अपनी बीवियों के साथ भी यही किया ना तुमने, उन्हें मारा इसलिए तो वो भाग गई। अरे बलविंदर अगर यही मर्दानगी लक्ष्मी पे दिखा देते ना, उठा लेते उसे, तो आज यही होती तुम्हारे साथ। अपनी बकवास बंद कर, आवाज नीचे नीचे। और अब तो बलविंदर तुम कुछ ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा, क्योंकि अब तुम कुछ बोलने के लायक भी नहीं बचे। हाँ या बड़ा बलविंदर सूद, तू कौड़ी का आदमी, सब बर्बाद कर दिया। एक छोटा सा काम दिया था बच्ची को उठाने का, वो भी नहीं कर पाया, नालायक कहीं का। करता है लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी लक्ष्मी चाहिए ना तुझे? क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए ना, तुम्हें उसकी जूती भी नहीं मिलेगी, याद रखना। तो बलविंदर सूद चूड़ियां पहन। आज फैसला हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या होगा और क्या नहीं। ओह गॉड भाभी, इतनी सारी चीजों के बीच दिमाग से ही निकल गया कि आज हियरिंग है। हरू को अकेले अकेले छोड़ के कैसे जाएंगे? जाना पड़ेगा, जरूरी है और इसे हम टाल नहीं सकते। और अब तो पारू ठीक है ना, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, वैसे भी डॉक्टर्स हैं ना यहाँ उसका ख्याल रखने के लिए। लेकिन फिर भी पारू को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हम। एक काम करते हैं दी, हम यहाँ हॉस्पिटल में रुक जाते हैं, आप लोग सब कोर्ट चले जाइए। वैसे तो यहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर पड़े तो किसी का तो यहाँ होना जरूरी है ना। और इनकेस पारू को होश आ जाए, उसे यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए, वरना घबरा जाएगी बच्ची। हाँ भाभी आंचल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई थिंक हमें चलना चाहिए और जल्दी कोर्ट पहुंचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली हियरिंग हमारी है। नहीं पर हम थोड़े दिन बाद की बात नहीं कर सकते, मतलब एक दो दिन बाद की डेट। उस रिक्वेस्ट के लिए देर हो चुकी है, सबसे पहली हियरिंग हमारी है। अनु कोर्ट तो आज जाना ही पड़ेगा, तो ऋषि जल्दी चलते हैं और कोर्ट से फ्री होकर जल्दी पारो के पास वापस आ जाते हैं। हाँ हाँ मासी, प्लीज पारो का अच्छे से ख्याल रखिएगा। ऑफ कोर्स। पारो, तू चिंता मत करना बेटा, तू बस ठीक हो जा, फिर हम लोग जल्दी घर वापस चलेंगे, अपने घर अपने गांव, यहां नहीं रहेंगे अब। पहले भी नहीं रुकना चाहिए था, गलती की मैंने, पर अब ये गलती नहीं करेंगे। तुझे इन सारी मुसीबतों से दूर रखूंगी मैं, हम चलेंगे बेटा गांव वापस चलेंगे। एडवोकेट प्रोमिला, और कितना समय लगेगा? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, वो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा। बस मैम अभी वो आते ही होंगे। एक्सट्रीमली सॉरी मैम, लेट हो गए थे बस। बैठिए आप सब। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मैम मैं लक्ष्मी ओबेरॉय की वकील हूँ और उनकी तरफ से बात रखूंगी।
मैम, मैं मिस्टर ऋषि ओबराय की तरफ से इस केस की पैरवी करूंगा। ये लक्ष्मी ओबराय और ऋषि ओबराय की बेटी की कस्टडी का केस है। केस की सारी डिटेल्स इस फाइल में है। इस केस को मैं जानती हूँ, पहले भी इसे मैंने ही सुना था, अच्छी तरह जानती हूँ इस केस को। फिर भी एक बार देख लेती हूँ कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। ओके फाइन। तो मिस्टर ऋषि और लक्ष्मी, कैसा चल रहा है सब? आपकी बेटी कहाँ है? पारो आज आई नहीं अपने भाई के साथ यहाँ? कहाँ है आपकी बेटी? लक्ष्मी तुम ऐसे, क्या बात है? वो अरु की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल। क्या हुआ उसे? ऐसे हॉस्पिटल में तबीयत ज्यादा खराब है क्या उसकी? योर ऑनर, एक्चुअली पारो को किडनैप कर लिया था। किडनैप? ये क्या कह रहे हैं आप? किसने किया था पारो का किडनैप? वो हमें नहीं पता योर ऑनर, हम उन किडनैपर्स को जब तक पकड़ते तब तक वो भाग चुके थे, इसलिए हमें नहीं पता कि हमारी बेटी को किसने किडनैप किया। लेकिन हमारी बेटी को जिसने भी किडनैप किया उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे सजा जरूर मिलेगी। तो अब कैसी है आप लोगों की बेटी? जी किरण, अभी बेटर है, काफी बेटर है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। मैम हम तो आना भी नहीं चाहते थे यहाँ पर। एग्जैक्टली, लेकिन वक्त नहीं था हमारे पास कि हम कोर्ट को और एक्सटेंड कर सकते थे, वरना सच में हम हमारी बेटी को छोड़ के नहीं आना चाहते थे। डोंट वरी, पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी और कानून अपना काम करेगी। गलत करने वाले कानून की नजर से ज्यादा वक्त बच ही नहीं सकते। जी योर ऑनर, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, गुनहगार को सजा जरूर दिलवाएंगे आप लोग। मुझे कानून पर भरोसा है लेकिन कुछ लोगों पर भरोसा नहीं है योर ऑनर। कुछ लोग हैं ऐसे जो अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, भले उनके पास सब कुछ ही क्यों ना, लेकिन फिर भी उन्हें दूसरों का चैन, दूसरों का हक, दूसरों की खुशी छीननी होती, भले सब कुछ क्यों ना उनके पास, लेकिन बस मेरी भारत को छीनना है मुझसे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।